राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट में है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बापू की समाधि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में भी है, जिसको गांधी समाधि के नाम से लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं। ये समाधि इतनी खूबसूरत है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बताते हैं कि रामपुर रियासत के आखिरी नवाब रजा अली खान 11 फरवरी 1948 को गांधी जी की अस्थियां लेकर रामपुर आए थे। उन्होंने कुछ अस्थियां कोसी नदी में विसर्जित कर दी थी और कुछ अस्थियां नवाब गेट के पास दफन कर दी थी। इस गांधी समाधि का सौंदर्यीकरण सपा नेता आजम खान ने कराया था। गांधी समाधि को रामपुर की शान माना जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती पर यहां ध्वजारोहण किया जाता है। वहीं कुछ नेता इस समाधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के राजघाट के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दूसरी गांधी समाधि रामपुर में स्थित है। जी हां, आपको बता दें, रामपुर के रियासत के आखिरी नवाब नवाब रजा अली खान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां रामपुर लेकर आए थे और कुछ अस्थियों को चांदी के कलश में भरकर कोसी नदी में विसर्जित किया था और कुछ अस्थियों को नवाब गेट स्थित दफन किया था, जिसको गांधी समाधि कहते हैं। उसके बाद इस गांधी समाधि को कैबिनेट मंत्री सपा के पूर्व आजम खान ने सौंदर्यीकरण कराया, जिसके बाद आज इस गांधी समाधि को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। आजम खान, ईटीवी भारत, रामपुर।